राज फिर मिलेंगे यार। राज यहाँ पे लॉकिंग है, ये देख लो अभी, ये लॉकिंग सिस्टम है। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ अपनी जो निंजा की सर्विस होने जा रही है, सेकंड सर्विस। एक्चुअली सर्विस तो लेट हो गई, ड्यू हो गई काफ़ी, जो टाइम पे मेरे को करनी थी हो नहीं पाया। अभी मैं बहुत टाइम बात करा रहा हूँ, जैसे घर वालों ने बोला कि भाई गाड़ी को लेके जा, ये अपनी निंजा खड़ी हुई है। तो इंजन ऑयल, फिल्टर, तीनों ब्रेक क्लीन हो गए, सिस्टम में कनेक्ट करके जो पूरी गाड़ी में कोई भी अगर इशू रहा तो वो भी पता चल जाएगा। सर्विस होनी चाहिए हर 5000 किलोमीटर पे होनी चाहिए। अगर 5000 पे आप लोग बाई चांस नहीं कर पाते तो 6 से 7 हज़ार तक आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी मानी जाए तो 5000 पे ही करना चाहिए अगर आप खुद गाड़ी ऑन करते हैं और आपके हाथ में गाड़ी रहती है तो। तो बेंगलोर के बाद भाई आज गाड़ी चढ़ी है, क्योंकि इसके साथ अच्छी खासी राइड भी आने वाली है फ्यूचर में। वैसे तो मैं गाड़ी को कुछ समय तक रखने वाला हूँ, अगर कोई अच्छी डील मिली तो गाड़ी जा सकती है, और अगर गाड़ी नहीं गई तो गाड़ी भाई अपने पास ही रहेगी, अपने पास रहेगी तो आप जानते हो फिर गाड़ी एकदम चकाचक। सच बताऊँ तो मैं गाड़ी के लुक पे फिदा हो गया था जब मैंने गाड़ी ली, और आज मैं बोलता हूँ मेरे को साउंड चाहिए। तो मतलब सच बोलूँ तो भाई अगर मेट्रो सिटी में हम लोग ऐसी गाड़ी चला रहे हैं तो भाई चलान 10-10 हज़ार रुपये का है, और अगर उस ख्याल को मैं अगर दिमाग से निकाल दूँ तो इससे बेस्ट गाड़ी नहीं है भाई इस सेगमेंट में, इतने कम सर्विस कॉस्ट में। क्योंकि 600 सीसी की मैंने देखी है, एक बंदे के पास थी, मेरी बात होती है होंडा की थी कोई बाइक 600 सीसी के सेगमेंट में, भाई 12 से 14 हज़ार रुपये की सर्विस थी उसकी, और इसकी सर्विस देखो भाई 6.5 हज़ार। क्या चाहिए, क्लच एडजस्टमेंट होगा, ड्राइव चेन जो चेन है वो एडजस्टमेंट किया जाएगा, इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट होगा, फ्रंट ब्रेक पैड जो है दोनों वो निकाल के क्लीन करके वापस फिटिंग होगा, जनरल इंस्पेक्शन, आइडल स्पीड एडजस्टमेंट होगा, वो रहता है 1000 आरपीएम टू 1200 आरपीएम, इन बिटवीन दैट रहता है, तो वो चेक करेंगे सही कि नहीं, कम रहेगा ज़्यादा रहेगा तो वो एडजस्ट करेंगे। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग होता है, गैस्किट आएगा ड्रेन बोल्ट का जो हम रिप्लेस करेंगे, एक ऑयल फिल्टर रहेगा, 1.8 लीटर कावासाकी का ऑयल आएगा, ये कावासाकी का 10W40 फुल्ली सिंथेटिक। निंजा 650 और 1000 दोनों की ऐसी चीज़ है कि भाई दोनों की सर्विस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 650 और 1000 में, मेरे ख्याल से 500 से 1000 रुपये का फ़र्क अगर आया भी तो आया होगा, लेकिन 10000 के अंदर ही, 10500, 8000, 7500 के आसपास दोनों की सर्विस का कॉस्ट सेम ही है ऑलमोस्ट। ये फिलहाल बैठे हुए तो 1 घंटा हो गया है, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लेबर का चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि भाई फ्रेम खोलो, फिर नीचे से बहुत डीप में जा जाके सर्विस करनी पड़ती है, इतना सर्विस का झंझट निंजा 300 को नहीं है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया जो यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। 300 के लिए क्या है, बहुत इजी लगता है और 1 से 1.5 घंटे में सर्विस हो जाती है, लेकिन जितना बड़ा सीसी में आप जाओगे ना उतना आपको सर्विस होने को भी टाइम लगेगा। राज को बोला मैं इधर से आवाज़ लगा रहा हूँ, ये बैठ देख राज को मैं थोड़ा थोड़ा टोचन दे रहा इधर से कि ए राज भाई अपने काउंटर पे एकदम मस्त, एकदम ऑन ड्यूटी है अभी फिलहाल, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते भाई को। चार्जिंग माउंट लगाया था, USB चार्जिंग माउंट, 2 सॉकेट वाला लगाया था। तो भाई बेंगलोर में बाइक खुली थी उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो बाइक के इधर ना नीचे या हर चीज़ की प्रॉपर फिटिंग अच्छी लगती है, तो बोल देता हूँ भाई सेट करेगा ना इस बार अच्छे से सेट कर हर चीज़ पूरी बॉडी। मीव का जो साइलेंसर है उसकी बात हो रही थी, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहीं, थोड़ा सा और वेट करता हूँ, अगर नहीं गई और प्लान हो गया और घर वाले भी बोलेंगे नहीं अब तो बनानी है, अब तो रखनी है भाई, स्टॉक बनाना है, 650 हो जाएगी, 1200-1300 सीसी की फ्यूचर में देखेंगे हाई एंड टॉप मॉडल। इसका ये निकल गया था ये देखो, ये मैंने वो बेंगलोर में ये खुलवाया था ना, हाँ, तो इन्होंने इधर इंस्टॉल किया था अपना मोबाइल होल्डर। अच्छा, तो मोबाइल होल्डर डालते समय उन्होंने शायद वो डाला नहीं नीचे, चलेगा मैं फिट कर देता हूँ, वो पार्ट मिल जाएगा ना बस। हाँ वो है ना, ठीक है, ये बैठा नहीं है इसके अंदर, पुश होता नहीं है, हाँ हाँ प्रॉपर बैठा नहीं, वो पुश क्लिप नहीं भी रहता ना, हाँ तो भी निकलता नहीं था। चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, और पहले बोलते तो और ये सेंटर में बैठा सेंटर में, यहाँ पे लॉकिंग है, ये देख रहे हो अभी, हाँ हाँ ये लॉकिंग सिस्टम है,
ये लॉकिंग वीकिंग प्रॉपर रहेगा ना तो उसके लिए भी नहीं लगेगा ना तो निकलता नहीं है। भाई मेरे को तो अच्छा लग रहा है, जितना टाइम लेते ले लो यार, लेकिन सर्विस ऐसी करके दो कि मतलब एकदम स्मूथ राइड, यहाँ से सीधा टेक ऑफ करना है, नासिक में जाके सीधा लैंड करना है। अरे पकड़ के बैठो, पता चले मई पीछे। वैसे तो राज भैया हमारे ले जा रहे हैं कहीं हमें। राज एक हल्की सी चूक और दोनों की खोपड़ी तरबूज की जैसी। एंटर मारा है मुंबई में, राज बोला यार रस मलाई खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मिलेंगे भी डायरेक्ट मुंबई टू नासिक की राइड पे, निकलते हैं बैग पैक करते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं ऐसे किसी प्यारे से व्लॉग में। और ये हमारे राज भैया, राज फिर मिलेंगे यार। अभी एक सेकेंड डिलीवरी, एक और वीडियो देगा भाई। चलो भाई।